आपकी वर्कशीट नंबर 163। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, इंग्लिश की वर्कशीट है, लिख लेंगे क्लास, लिख लेंगे डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आई है, देखते हैं आज इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो लिखा है हेलो माई डियर चिल्ड्रेन, यानी हेलो मेरे प्यारे बच्चों, डू यू रिमेम्बर द मीटिंग बिटवीन द कैमल एंड द लॉयन? क्या आपको लास्ट वर्कशीट में जो कैमल और लॉयन के बीच में मीटिंग हुई थी, दोनों में जो बातें हुई थी, जो कन्वर्सेशंस हुए थे, क्या वो आपको याद है? यस और नो? यस, हमें याद है कि लायन ने पूछा था कि तुम कौन हो, तुमको पहले कभी नहीं देखा, तो ऊँट ने बताया था मैं ऊँट हूँ, है ना, मुझे कैमल कहते हैं लोग और मुझे रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। तो शेर कहता है मैं शेर हूँ, मुझे लोग जंगल का राजा कहते हैं, पर ये बताओ तुम तो एक जानवर हो, फिर तुम्हें जहाज़ क्यों कहते हैं, है ना, इस तरह से पूरी बात हुई थी। चलिए, दे सीम टू हैव बिकम गुड फ्रेंड्स, उसके बाद ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एंड आर मीटिंग ईच अदर अगेन टूडे, और दोबारा फिर दूसरे दिन उन्होंने एक दूसरे से मीटिंग की। हेलो डियर कैमल, अब लॉयन क्या बोल रहा है? हेलो डियर कैमल, यानी हेलो मेरे प्यारे दोस्त ऊँट। हाउ आर यू, कैसे हो तुम? आई लाइक योर टील सो मच, मुझे तुम्हारी कहानी बहुत पसंद है। देखिए यहाँ टील, टील का मतलब होता है कहानी, एक्चुअल में वो पूंछ कहना चाह रहा है, बट वो क्या कह रहा है कि मुझे तुम्हारी कहानी बहुत पसंद है। हाउ इट इज़ पॉसिबल, चलिए देखते हैं ऊँट इसको करेक्ट करता है या नहीं। हा हा, ऊँट हंसा, बोला माई डियर लायन, मेरे प्रिय शेर, इट इज़ कॉल्ड टील, यानी कि इसको हम दुम कहते हैं। देखिए स्पेलिंग चेंज है, टेल्स रेफर टू अ स्टोरी, और टेल का मतलब जो ये तुमने टेल बोला है इसका मतलब स्टोरी होता है, नॉट अ दुम, ये पूंछ नहीं होता इसका मतलब। देखिए दोनों की स्पेलिंग चेंज है, टी ए एल ई टेल, टेल माने कहानी या स्टोरी, और ये वाला टेल टी ए आई एल, टेल, टेल माने दुम, जो ये एनिमल्स की पूंछ होती है। ओके चलिए आगे पढ़ते हैं। तो शेर को कंफ्यूजन हो गई थी, उप्स माय मिस्टेक, ओहो सॉरी, मेरी गलती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ऑल राइट माय डियर, कोई बात नहीं मेरे प्रिय, सम वर्ड्स हैव द सेम साउंड, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी आवाजें सेम निकलती है जैसे अभी टेल, बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग्स, लेकिन इनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होती है। तो अब शेर क्या कहता है, आर देयर मोर वर्ड्स लाइक दिस, क्या आपको पता है कि ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं? व्हाट आर दिस वर्ड्स कॉल्ड, और ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, जरा मुझे बताइए। तो कैमल बोलता है यस देयर आर मैनी सच एग्जांपल्स, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यानी इस तरह के जैसे ये टेल और टेल वाली कहानी है, इस तरह से बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं। तो कहता है अच्छा बहुत सारे हैं, तो शेर दोबारा में पूछता है ना कि इसको, इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, तो वो बोलता है दीज सेट्स ऑफ वर्क आर कॉल्ड, यानी इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोफोन्स, यानी होमोफोन्स का मतलब है जो सुनने में एक से हों लेकिन इनकी आवाज़ें अलग हों। कम लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल, चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ और एग्जाम्पल देके बताता हूँ। तो देखिए अब ये कैमल जो है लॉयन को एग्जाम्पल दे रहा है, क्या दे रहा है, लेट अस रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड राइट टू द करेक्ट वन इन द ब्लैंक। अब आप पहले नीचे जो वर्ड्स है उनको देखिए, उनके मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए, और उसमें जो वर्ड सही हो, जिसका मीनिंग परफेक्ट हो, वो आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए क्या लिखा है, शी, शी माने हो गया लड़की, तो लड़की क्या चला रही है, साइकिल, साइकिल चलाने को कहते हैं राइडिंग, है ना, क्या बोलते हैं, राइडिंग, साइकिल चलाना, उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होगा, रॉइड, आर ओ डी ई, रोड, ठीक है। अब बोला क्या गया, रोड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शी रोड, आर ओ डी ई, रोड, ये वाला रोड, ऑन द रोड, ठीक है, यानी वो साइकिल चला रही है रोड पर, तो शी रोड ऑन द रोड। अब देखिए इसमें रोड ये वाला आएगा, आर ओ ए डी, रोड, रोड माने सड़क, आई समझ में? तो देखिए दोनों की जो मैं बोल रही हूँ, दोनों क्या बोल रही हूँ, रोड, रोड, है ना, दोनों रोड, रोड बोल रही हूँ, लेकिन स्पेलिंग दोनों में फर्क है, इसकी स्पेलिंग है आर ओ डी ई और इसकी स्पेलिंग है आर ओ ए डी, है ना। अब देखिए क्या लिखा, माई सन, सन माने होता है बेटा, इज प्लेइंग इन द सन, मेरा बेटा सूरज से खेल रहा है। तो अब देखिए दोनों बोले मैंने क्या, सन, लेकिन दोनों की मीनिंग और स्पेलिंग अलग है। बेटे वाले सन की स्पेलिंग होती है एस ओ एन, सन, सन माने बेटा, जबकि सूरज वाले सन की स्पेलिंग होती है एस यू एन, सन,
ठीक है। इसी तरह से देखिए लिखा है आई हैव टू गो टू एन आई डॉक्टर, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा आई, आई माने मैं गया, कहाँ गया आई डॉक्टर के पास, आँख वाले, तो अब आई माने मैं और आई माने आईज, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ तो आएगा आई, आई माने आँख, और यहाँ आई आएगा मैं वाला, तो आप दोनों में लिख लेंगे, इसमें ये वाला आई आ जाएगा और इसमें आँख वाला आई आ जाएगा, है ना आसान। तो देखिए मेन मतलब आपको समझाने का सिर्फ इतना सा है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बोलने में तो सुनाई देते हैं एक जैसे, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका जो मीनिंग है दोनों अलग होता है। यू कैन सी द ब्यूटिफुल सी, ठीक है। अब यहाँ सी ये वाला आएगा, सी माने होता है देखना, एस डबल ई सी। क्या तुमने कभी एक खूबसूरत समंदर देखा है, और समंदर वाला सी क्या होता है, एस ई ए सी, है ना, दोनों बोले क्या गए सी सी, समझ रहे, लेकिन स्पेलिंग दोनों की अलग है और मीनिंग दोनों का अलग है, इसका मतलब होता है देखना जबकि इसका मतलब होता है समंदर, ठीक है। तो आप लोग आसानी से कर सकते, इसमें ये वाला रोड आएगा, इसमें ये वाला, इसमें ये वाला सन आएगा, इसमें ये वाला, इसमें पहले में आई ये वाला आएगा और दूसरे में आई ये वाला आएगा, तीसरे में यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे सी आएगा, कर लेंगे आसानी से आप लोग। स्पेलिंग से मैंने इसलिए अंडरलाइन कर दी ताकि अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो आप यहाँ से स्पेलिंग देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इन्होंने कहा अगर आपको ऐसी और मोर एग्जाम्पल्स चाहिए तो उसके लिए आप 155 पेज नंबर को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके टीचर से कहा गया है कि आपको अच्छे से समझाएं वर्कशीट, आपके मम्मी पापा से कहा गया है कि बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां पढ़ने में प्रोत्साहित कीजिए, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ेंगे पंचतंत्र की कहानियां, पंचतंत्र क्या होता है, क्यों कहा जाता है। देखिए हमारी हमारी बॉडी, हमारी दुनिया, सब चीज़ें पाँच चीज़ों से मिलकर बनी है, हवा पानी आग, है ना, तो इस तरह से टोटल पांच चीज़ें हैं, उनसे मिलके बनी है, हवा पानी आग मिट्टी और ऑक्सीजन जो है, इस तरह से पांच चीज़ें हैं, तो इनसे मिलके हमारी बॉडी बनी है, पंच तत्व जिसे हम लोग कहते हैं। तो आप इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी बहुत सारी कहानियां हैं पुराने ज़माने के लोगों से भी रिगार्डिंग है, साइंस से रिगार्डिंग भी हैं, अलग अलग हैं, तो आप लोग चाहें तो उन्हें पढ़ सकते हैं। चाहे फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, अच्छी वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस लाइक को शेयर करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।